जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। आज हम राजस्थान का भूगोल में राजस्थान के उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उद्योगों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आपको बताना है कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उद्योगों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। जी हाँ, कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उद्योगों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है कृषि आधारित उद्योग, सेकंड नंबर पे है वन आधारित उद्योग, थर्ड नंबर पे है रासायनिक उद्योग और फोर्थ नंबर पे है खनिज आधारित उद्योग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आपको बताना है राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए 1889 ब्यावर, ऑप्शन बी 1906 अजमेर, ऑप्शन सी 1938 भीलवाड़ा, ऑप्शन डी 1942 पाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1889 ब्यावर। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल 1889 में दी कृष्णा मिल के नाम से ब्यावर में स्थापित की गई थी, जिसके संस्थापक दामोदर दास राठी थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल कहाँ स्थित है? आपको बताना है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए श्रीगंगानगर, ऑप्शन बी गुलाबपुरा, ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हनुमानगढ़। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल की स्थापना 1978 में की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ किस जिले में हैं? आपको बताना है राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ किस जिले में हैं। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी पाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोली गई? आपको बताना है राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोली गई। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन बी लाखेरी में, ऑप्शन सी मोटक में, ऑप्शन डी निम्बाहाड़ा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाखेरी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है? आपको बताना है राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी कोटा में, ऑप्शन डी जोधपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोटा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी? आपको बताना है राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी। ऑप्शन ए 7 मार्च 1977, ऑप्शन बी 24 जून 1978, ऑप्शन सी 15 जून 1991, ऑप्शन डी 25 जून 1981। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जून 1978। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जून 1978 को घोषित की गई तथा उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जयपुर में स्थित आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है जयपुर में स्थित आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, ऑप्शन बी इंफोसिस वर्ल्ड सिटी, ऑप्शन सी वेदांता वर्ल्ड सिटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महिंद्रा वर्ल्ड सिटी।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सीसा एवं जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? आपको बताना है सीसा एवं जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बेनेश्वर डूंगरपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी देबारी उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देबारी उदयपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? आपको बताना है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है। ऑप्शन ए खेतरी क्षेत्र से, ऑप्शन बी सीकर क्षेत्र से, ऑप्शन सी जयपुर क्षेत्र से, ऑप्शन डी जावर क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खेतरी क्षेत्र से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में कितने उद्योग केंद्र स्थापित हैं? आपको बताना है राजस्थान में कितने उद्योग केंद्र स्थापित हैं। ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 36। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 36। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है? आपको बताना है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लोनका नरसर, ऑप्शन बी सांबर, ऑप्शन सी डीडवाना, ऑप्शन डी पंचभद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डीडवाना। देखते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स राजस्थान सरकार का उपक्रम है। इसकी स्थापना राज्य के नागौर जिले की डीडवाना जगह पर डीडवाना झील के पास की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राज्य का प्रथम सेज स्थापित किया गया है? आपको बताना है राज्य का प्रथम सेज स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए किशनगढ़ अजमेर, ऑप्शन बी महल जगतपुरा जयपुर, ऑप्शन सी दोहिंडा जोधपुर, ऑप्शन डी बोरानाडा जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोरानाडा जोधपुर। राज्य का पहला सेज बोरानाडा जोधपुर में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना रिको द्वारा की गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में सॉल्ट मॉडल मंडी कहाँ स्थित है? आपको बताना है राजस्थान में सॉल्ट मॉडल मंडी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए सांबर, ऑप्शन बी पंचभद्रा, ऑप्शन सी नावा, ऑप्शन डी लोनका नरसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नावा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में कृषि मशीनरी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? आपको बताना है राजस्थान में कृषि मशीनरी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागौर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट खाद बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? आपको बताना है डाई अमोनियम फास्फेट खाद बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1978। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1964। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जेम्स एंड ज्वेलरी सेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपको बताना है जेम्स एंड ज्वेलरी सेज की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए राजसिको, ऑप्शन बी रिको, ऑप्शन सी आरएफसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिको।
जनवरी 1980 में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास से विनियोग निगम लिमिटेड रिको की स्थापना की गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राज्य की प्रथम मार्बल मंडी कहाँ स्थित है? आपको बताना है राजस्थान की प्रथम मार्बल मंडी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अजमेर किशनगढ़, ऑप्शन बी नागौर मकराना, ऑप्शन सी कांकरोली राजसमंद, ऑप्शन डी झालौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजमेर किशनगढ़। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई? आपको बताना है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1968। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1967। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? आपको बताना है राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी नागौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीलवाड़ा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पन्ना मंडी कहाँ स्थित है? आपको बताना है पन्ना मंडी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी कोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दी मेवाड़ सुगर मिल किस जिले में स्थित है? आपको बताना है दी मेवाड़ सुगर मिल किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी गंगानगर, ऑप्शन डी केशोरायपाटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। दी मेवाड़ सुगर मिल की स्थापना चित्तौड़गढ़ जिले में 1932 में की गई। यह राज्य की प्रथम सुगर मिल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में राजस्थान में कितने टेक्सटाइल पार्क हैं? आपको बताना है वर्तमान में राजस्थान में कितने टेक्सटाइल पार्क हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। जी हाँ, वर्तमान में राजस्थान में 4 टेक्सटाइल पार्क हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है जयपुर इंटीग्रेटेड जो बगरू जयपुर में है, सेकंड नंबर पे है जयपुर टेक्स विंग जो किशनगढ़ अजमेर में है, तीसरे नंबर पे है किशनगढ़ हाईटेक जो किशनगढ़ अजमेर में है, और 4 नंबर पे है नेक्स्ट जेन जो पाली में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? आपको बताना है राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी करौली, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी अजमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजमेर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, राज्य वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है राज्य वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 8 अप्रैल 1955 को की गई। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु लघु एवं मध्यम पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान ऊन मिल किस जिले में स्थित है? आपको बताना है राजस्थान ऊन मिल किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी श्रीगंगानगर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर। देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कृष्णा मिल जयपुर, ऑप्शन बी मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा, ऑप्शन सी महाराजा उमेश सिंह मिल्स पाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा मिल जयपुर। जी हाँ, कृष्णा मिल ब्यावर अजमेर में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। आपको बताना है कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीलवाड़ा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, राज्य में निम्न में से किस जिले में लघु उद्योग इकाइयां न्यूनतम है। आपको बताना है राज्य में निम्न में से किस जिले में लघु उद्योग इकाइयां न्यूनतम है। ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करौली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, राज्य में कौन सा जिला खस एवं इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है राज्य में कौन सा जिला खस एवं इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सवाई माधोपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर एवं भरतपुर जिले खस एवं इत्र के उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। खस एक सुगंधित घास होती है जो गुच्छे में उगने वाले इस पौधे की ऊंचाई 5 से 6 फीट तक होती है। खस की जड़ों से निकले तेल का प्रयोग इत्र और सुगंधित तेल, शरबत, दवाइयां, साबुन और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में किया जाता है। फूलों को एकत्रित करके रासायनिक विधि से इत्र निकाला जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। आपको बताना है राजस्थान में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी अजमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतापगढ़। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है। आपको बताना है पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए शाहपुरा भीलवाड़ा, ऑप्शन बी नाथ द्वारा राजसमंद, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी सांगानेर जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाथ द्वारा राजसमंद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में सबसे उत्तम कोटि का नमक मिलता है। आपको बताना है राजस्थान में सबसे उत्तम कोटि का नमक मिलता है। ऑप्शन ए सांबर जयपुर, ऑप्शन बी लोनकनरसर बीकानेर, ऑप्शन सी कावोद जैसलमेर, ऑप्शन डी पंचभद्रा झील बाड़मेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंचभद्रा झील बाड़मेर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। आपको बताना है राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी अजमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागौर। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का प्रथम कारखाना 1984 में गोटन नागौर में स्थापित किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में मध्यम और वृहत आकार की सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों राजस्थान के किस जिले में हैं। आपको बताना है राजस्थान में मध्यम और वृहत आकार की सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां राजस्थान के किस जिले में हैं। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी अलवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलवर। देखते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, राजस्थान में मध्यम और वृहत आकार के सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां भिवाड़ी अलमर में हैं, इसलिए भिवाड़ी को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37,
वर्तमान में राजस्थान में कितने जिला औद्योगिक केंद्र व उपकेंद्र हैं? आपको बताना है वर्तमान में राजस्थान में कितने जिला औद्योगिक केंद्र व उपकेंद्र हैं। ऑप्शन ए 33 जिला औद्योगिक केंद्र व 8 उपकेंद्र, ऑप्शन बी 30 जिला औद्योगिक केंद्र व 10 उपकेंद्र, ऑप्शन सी 36 जिला औद्योगिक केंद्र व 8 उपकेंद्र, ऑप्शन डी 25 जिला औद्योगिक केंद्र व 5 उपकेंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36 जिला औद्योगिक केंद्र व 8 उपकेंद्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपको बताना है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोंक। जी हाँ, आज हमने राजस्थान के उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया। धन्यवाद।